सिटीजनशिप देना ये मसला नहीं है, उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है ये झूठा प्रोपेगेंडा करें, सीए की जरूरत नहीं है, ये सीए एनआरसी उनको पनाह देने के लिए शरीयत देने के लिए नहीं है, बल्कि देश के शहरियों को गैर शहरी करार देने के लिए, इसलिए हम सीए की मजम्मत करते हैं, हम एनआरसी की मजम्मत करते हैं। ये जो सरकार है वो बार बार कह रही है कि ये सिर्फ मुसलमान घबराए नहीं, हमारा मानना ये है कि ये जो सीए का कानून है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, देश के गरीबों के खिलाफ है, देश के कमजोरों के खिलाफ है, देश के दलितों के खिलाफ है, देश के आदिवासियों के खिलाफ है। इसलिए हम भारत के मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट को यह बात कहते हैं कि वो मुसलमानों का नाम लेकर हमारे देश के दलित भाइयों हिंदू भाइयों को धोखा ना दे, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, देश की जनता का मसला है। इसलिए हम मौजूदा सरकार से आप सदर से कहते हैं वो बार बार क्रोनोलॉजी समझिए, जब तक वो समझ जाइए ये जो जनता है अब सड़कों पर है, हमारे देश के बच्चे यूनिवर्सिटीज के बजाय सड़कों पर है, देश की जनता को सड़कों पर लाने का, देश के बच्चों को स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को सड़कों पर लाने का काम देश की सरकार बीजेपी सरकार कर रही है, ये देश की जनता देश की आवाम देश के स्टूडेंट्स के खिलाफ है। इसलिए हमारा एक ही बताने वाला है, हम हिंदू भाई जो मजलूम है पाकिस्तान में उनको शहरी दे शहरियत देने के खिलाफ नहीं है, हम सीए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। मोदी साहब और अमित शाह साहब पार्लियामेंट में बयान दे कि वो सीए को वापस ले रहे हैं, एनआरसी को नहीं लाएंगे जब तक ये इतना जारी रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूं, ये तो अभी इस हमारे प्रोग्राम का पहला मौका है, आप सबर से बैठे सुकून से बैठे, सबर और सुकून, आप सबर और सुकून से रहेंगे तो मोदी साहब का शाह साहब का सुकून खराब हुआ, इसलिए आप सुकून से रहिए। सुकून का मतलब हम एहतजाज करेंगे मगर एहतजाज में हम वायलेंस नहीं करेंगे, हमारे देश की जो सरकार है वो चाहती है कि ये प्रोटेस्ट करे और प्रोटेस्ट में वायलेंस करे, हम वायलेंस करने वाले नहीं, हम वायलेंस करने वाले नहीं, प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्ट करते रहेंगे तक मोदी साहब शाह साहब एनआरसी से सीए से तौबा नहीं करेंगे, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरे प्यारे दीदी भाइयों बच्चों नौजवानों, आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं तो शहर के कम से कम 10-12 जगह पे अपनी बाप की बहनों की तरह हमारी बहनें हमारे भाई बहन इकट्ठे होकर और हम सब एक आवाज बुलंद कर रहे हैं इस सरकार से कि यह सीए एनआरसी वापस करो, सीए वापस लो, एनआरसी बंद करो। यह सरकार जो बस 6 महीने भी नहीं हुए इतने भारी बहुमत से चुनकर इस दुनिया में बात फैल गई कि मोदी के सबसे पॉपुलर लीडर है, सच्चाई अब सामने आ रही है, आ रहा है इस देश के लोगों पे भयानक से है भयानक दशाचिक हमला करना, ऐसा कानून लाना जिससे हमारी सदियों पुरानी संस्कृति हमारी एकता हमारी मिली जुली एकता हमारा जो समाज है इसकी छाती पे एक छुरा भोंकने का काम कर रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। साथियों आज 21वीं सदी में दुनिया में
में कहीं भी नागरिकता की नई परिभाषा की मांग की जा रही है। नागरिकता जो अपनी मेहनत से, अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम से उस समाज को विकसित करता है और उस समाज और समाज के चलाने वाले हुक्मरान और प्रशासन का फर्ज बनता है कि ऐसे हर व्यक्ति को नागरिकता के सारे अधिकार दिए जाएं, सारे जो है आनंद मिले। यह है आज दुनिया में नागरिकता की नई परिभाषा जिसकी मांग की जा रही है, और हमारी सरकार कितना पीछे खींच रही है हमारे समाज को, जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कर रही है और हमें बुद्धू बनाने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं जी, हम तो दे रहे हैं। अगर देने का ही इतना इरादा था तो कहा गया आपका सबका साथ सबका विकास का नारा, सबका विकास होना सबका साथ होना। पड़ोसी देशों के हमारे भाइयों बहनों से इतनी हमदर्दी थी तो कोई नए कानून की जरूरत नहीं थी। हम तो कहते हैं दे दो सबको नागरिकता, हमें मंजूर है। अब बंटवारा क्यों करते हो कि इसको देंगे और उसको नहीं देंगे? आप हमें बुद्धू बनाने के लिए कहते हैं कि सारी दुनिया के लिए हमारे द्वार खुले हैं। हम कहते हैं खुले हैं सबके लिए, खोल दो ना। ये बंटवारा क्यों करते हो? ये बंटवारा करने की राजनीति बंद करो, ये बहुत बड़ी साजिश है। इन्होंने एनआरसी शुरू कर दिया और धमकी दे दी कि पूरे देश में एनआरसी फैलाएंगे। जब एनआरसी करके पता चला कि कितने गरीब और कितने बेकसूर लोग डॉक्यूमेंट ना होने के कारण इससे बाहर रह गए, तो जो अमित शाह जी के गृह मंत्री कहता है कि भाई भाइयों आपको हिंदू भाइयों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देश का गृह मंत्री है और यह बंटवारा करता है कि किसका नहीं है धर्म के आधार पर। यह साथियों हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज जो हम निकल पड़े हैं, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है जब तक इस सरकार को पीछे हटा वापस करो इस गंदी सीएए को, हमें मंजूर नहीं। तुम कौन होते हो बताने के लिए कि इस देश का नागरिक कौन? हम इस देश को विकसित करते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो बहनों भाइयों आज हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना, चाहे लाठी खानी पड़े या कोई भी हिंसा का सामना करना पड़े। हम शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि हम इस देश के नागरिक इसे मंजूर नहीं करते। सीएए को वापस लो और एनआरसी को बंद करो, ये हमें मंजूर नहीं। धन्यवाद साथी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।